नमस्कार, इस नमस्कार भाई भाई कैसे हो ठीक है आज एक साल बाद आपके दोबारा आना हुआ है हाँ, एक साल हो गया आपको। करेप, करेप, एक साल से अच्छा अच्छा तो मतलब जालोर आते हुए मेरे को दो साल करीब हो गए दो साल हो गए आपको सबसे पहले जालोर आप ही लेके आए थे वहां से लेके आया था आपको पहली बार तो आप मेरे लिए लकी आदमी हो मतलब और जालोर वालों के लिए लकी मैं हूँ जालोर के लिए आप लकी हाँ, तो तो भी है जालोर में जिनको जलन भी है जलन तो होगी ना न जिनको जलन भी है जलन भी है बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है फायदा तो बहुत से लोगों को हुआ है देखो जो किसान है यहाँ से ये मान के चलो कौड़ियों के दाम में घोड़िया ले जाके और बड़े स्टड पे महंगे भाव में बिकती थी।, थी वो घोड़िया आज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी नहीं आज की आएट, की हाइट हाइट घोड़ी के भी इतने दाम है यहाँ पे के मतलब और आराम से बिक जाती है वो ये मान के चलो आराम आराम से तो इतना मैंने तो ईश्वर भाई बहुत प्रमोट किया है जालोर को और इसका श्रेय आपको ही जाता है क्योंकि आप ही लेके आए थे मेरे को सबसे पहले आपको फिर बताया था हमने जालोर तो आए थे आप हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको तो, सब एरिया बताए बिल्कुल बिल्कुल और आपने भी खूब साथ दिया था साथ में गए थे आप खुद की गाड़ी लेके सही बात है चलो अब जो भी है अच्छी बात है अच्छा रिस्पांस मिला अच्छा प्यार मिला जालोर वालों का सही बात धन्यवाद देता हूँ फिर से इस वीडियो में तो ईश्वर भाई अभी तो आपने शायद स्टेबल भी काफी बढ़िया बना लिया यार अभी बनाया ना पहले तो थे नहीं हम अभी बनाए पहले तो नहीं थे अभी बनाए ये लेटेस्ट हो गया तो कितने स्टेबल बना लिया आपने पाँच है पाँच बनाए हैं बहुत बहुत ही बढ़िया बना ली है हाइट हाइट भी खूब अच्छी रखी है इसकी तेरह फीट की हाइट है तेरह फीट की हाइट है और अंदर से क्या अंदर है इक्कीस बाई पंद्रह इक्कीस बाई पंद्रह मतलब इक्कीस तो चौड़ाई होगी लंबाई है लंबाई और पंद्रह ऐसी अच्छा तो इक्कीस बाई पंद्रह का स्टेबल ईश्वर वाई ठीक रहता है ठीक रहता है घोड़े के लिए घूमने के लिए दूसरा लिए अच्छा रहता है हाइट वाला है घोड़ा

चलो अच्छी बात है जालोर में एक अच्छा स्टड मेरे को देखने को मिला क्योंकि जालोर में तो शायद है, है नहीं मेरे ख्याल से ऐसे नहीं ऐसा बनाया हुआ नहीं है ऐसा बनाया हुआ नहीं है पहला ही फार्म देख रहा हूँ मैं और अगर किसी के होगा तो मैं गया नहीं वहाँ पे देखो नहीं अभी बनाया वंडा बना जालोर में तो आपको पता है नीम के नीचे बांध के रखते हैं घोड़े घोड़े जब आपके मैं पहली बार आया था तब भी ऐसा ही था ऐसा ही था हाँ बिल्कुल चलो ठीक है ईश्वर भाई जो भी है बड़ी मेहनत कर रहे हो आप तो मेहनत के साथ सब कुछ होना भी चाहिए Okay. क्योंकि इनको भी अच्छा जीवन अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है तो ईश्वर भाई आपका नाम हो गया और अपना फार्म का नाम क्या है श्रीनाथ जी स्टेट फार्म श्रीनाथ जी फार्म ठीक है और ये लोकेशन अपनी कहाँ पे आती है गांव में बैरठ गांव है बैरठ गांव है, है। और ये साइला से कितनी दूर पड़ता है साइला यहाँ से सत्रह किलोमीटर पड़ता है और जालोर सिटी से सत्ताईस किलोमीटर सत्ताईस किलोमीटर अच्छा और वैसे अगर देखे तो अपने ये राम सिंह वाला रोड है इससे से आए तो सोलह किलोमीटर अच्छा अच्छा, अच्छा। है आते हैं हाँ। तो ना अपन से तो चलोल से फिर मतलब बीस सेंटर में आ गया जानूर के ये जो घोड़ो का गढ़ है जैसे अच्छी जगह है लोकेशन अच्छी है आपके तो ईश्वर भाई ये तो अपनी वही घोड़ी है ना काजल हाँ वो काजल है काजल काजल हाँ। अच्छा काजल यही है तो हाँ? हाँ। ये तो आपके मैं कहूंगा कि एक लाइन यहाँ से इस इसकी तो एक स्टार्ट हो सकती है हाँ, पहले आप बताया से बताया मठ से था ना हाँ अभी अपन को इतना मालूम नहीं था इसका अच्छा पिछका तो अभी निकाला मैंने क्या तो वनराज घोड़े की ये पोती है अच्छा वनराज की है वनराज की अच्छा पिछले वीडियो में आपने कुछ और बताया वो मठ लाइन से की थी मैंने। अच्छा अच्छा तो वो गलत था या ना ये सही है वो गलत था अच्छा आज जो बता रहे हो वो सही है वो सही है वनराज घोड़े की है अच्छा अच्छा तो, तो उसका उस टाइम में जो बताया वो क्या हुआ फिर आपने इसकी डिटेल निकाली बाद इसकी डिटेल निकाली घोड़े कहाँ से लाया कौन सा घोड़ा लाया खरीदा अच्छा तो अच्छा तो फिर फिर बोला बोला वनराज घोड़े का वो घोड़ा था

एक तो इसका जो पहला वो कोल्ड था आपके पास तूफान जो, तूफान, हाँ, जो हाँ, वो सेल हो गया और दूसरा बात प्रिंस था दूसरा प्रिंस था हाँ वो भी सेल हो गया वो भी सेल कर दिया वो भी सेल आनंद गया अच्छा अच्छा पहले तो मैं यहाँ भेजा था मुडाड़ा बेच का शंकर सिंह को बेचा था हाँ, ना उसने आनंद भेज दिया गुजरात गया वो अच्छा अभी ये तीसरा बच्चा है बच्ची है बच्ची 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 है है ये ये की की बहुत सुंदर आई है पास में है ना घोड़ा सुंदर आई है बच्ची तो हाँ उसके घोड़े की है बहुत सुंदर है बच्ची अच्छा मतलब तीसरा रिजल्ट है आठ नौ साल में इस घोड़ी का हाँ, तीसरा रिजल्ट है तो मैं कहूँगा ब्रीडिंग की बहुत अच्छी घोड़ी घोड़ी की लेंथ भी काफी अच्छी है इसकी हाँ, लेंथ अच्छी है लेंथ अच्छी है तो ईश्वर भाई क्या लगता है आपको जैसे अगर कोई नया पाल घोड़ी पालता है हाँ, तो कैसी घोड़ी उसको लेना चाहिए उसके क्या बच्चा देना एक तो पहली बात तो बच्चा अच्छा देना चाहिए घोड़ी अच्छा घोड़ी हाँ ठीक है और लंबाई पेट वो सब देखने के बाद में घोड़ी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए तो वो बच्चा देगी

और लास्ट आपके जालोर वाले एरिया में तो इसी के आपको 58 मिलेगा, 61, हुँ, 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 ये इस, आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा इससे ज्यादा नहीं मिलेगी इससे ज्यादा नहीं मिलेगा तो मतलब अगर तो, तो, तो मतलब आपका कहना यही है अगर कोई घोड़ी लेता है तो साठ इकसठ की घोड़ी बढ़िया घोड़ी बढ़िया घोड़ी और जैसे ये घोड़ी आपकी दिख रही है इसके अंदर ही अच्छा सिक्सटी के अंदर ही है पर घोड़ी अच्छी है कुल मिला के हाँ ठाक के लिए बहुत अच्छी है मैंने तीन तीसरा रिजल्ट है उसका ये तीसरा रिजल्ट है ना हाँ। ओके 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 तो कुल मिला के बहुत अच्छी साबित हो रही है आपके पास ये घोड़ी ठान देने में तो अच्छी सर शुरुआत आपकी इसी से हुई थी इनसे शुरुआत पहली घोड़ी मेरी यही है अच्छा पहली घोड़ी यही है यही है पहली कुछ भी कहो यार ईश्वर भाई जो पहली घोड़ी सोच समझ के लाता है ना तो जो ना समझ ना समझ में लाई थी हमने को मालूम ही नहीं था कि घोड़ा कैसा होता है क्या है अच्छा अच्छा ना समझ में लाए थी ये घोड़ी तो फिर भी यार देखो ऊपर वाला साथ देता है ऊपर वाला साथ देता बिल्कुल है बिल्कुल अगर आदमी मेहनत करता है अच्छी हाँ, मेहनत करता है घोड़ी से घोड़ी भी लकी होती है बिल्कुल बिल्कुल सही है ये हमारे लकी है घोड़ी बिल्कुल तो लकी काम कर रहा है इसमें तो मतलब हाँ, कुल मिला के तो आज तो जीता जागता सबूत है तीन बच्चे दिए इसके तीनों बढ़िया बच्चे दिए आप और वनराज की पोती हो गई वनराज की पोती ठीक है ये कहाँ से लाई थी आपने ये तो मेरे हमारे गांव के अंदर से ली थी आपके यहीं से यहाँ से खरीदी। से। तीन महीने का बच्चा था अच्छा ये बच्ची ली थी बच्ची ली थी महीने की आपने खिलाई भी तो हुई है ना खिलाई पिलाई बढ़िया की सेवा मतलब कुल मिला के अच्छी की है सेवा में अच्छी और ऐसा कहते हैं घोड़ा या तो रखो मत रखो तो उसकी सेवा करो बढ़िया रखो तो सेवा करो नहीं सेवा करो तो रखने का काम भी नहीं बिल्कुल सही मत बिल्कुल सही बात है तो इस बच्ची का बच्ची है बच्चा है ये बच्ची है क्या नाम रखा है इसका इसका रखा है शिवानी शिवानी हाँ अच्छा ये तो इसकी मापे जाएगी ये कलर बवरी हो बवर होगा? होगा होगी बिल्कुल एकदम बलेगा मार्किंग क्या आई है इसके पट्टा ही इसका है? पूरा पट्टा है एक पैर एक पैर एक पैर व्हाइट है पीछे का पीछे का पीछे का अच्छा लावा पग है पग तो ईश्वर भाई ये एक पेड़ जो होता है वो शुभ होता है क्या शुभ ही होता है ना शुभ होता है बहुत से नहीं मानते इस बात को कोई नहीं मानता हम तो मानते हैं आप मानते हो अलग अलग होते हैं <laughs> कोई भवरिया मानते कोई भवरिया नहीं मानते बिल्कुल सब सही। अलग अलग की, की पसंद है सब लोगों की अलग अलग चीज कोई भवरिया देखते कोई भवरिया देखते भी नहीं है तो आपके हिसाब से अगर कोई भवरिया देखे हाँ तो कितनी भवरिया उसको देखनी चाहिए नॉर्मल नॉर्मल अपन तो नहीं भाग भमरी काली देखते है ये भाग भमरी आती है ना हाँ। ये सही रहता शुभ होती है अच्छा अच्छा जो ये यहाँ पे, पे है ना पे भमरी होती है जो शुभ हाँ, में होती है अच्छा 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 ये एक ही भमरी आप एक ही भवरी देखता मैं तो दूसरी भवरिया नहीं देखता हूँ अच्छा। मैंने अब तक भवरिया देखी भी नहीं है जितनी घोड़ी लाई है ना एक भी भवरिया नहीं देखी है तो फिर आप घोड़े घोड़े में क्या चीज पसंद करते हो जैसे मैंने को देखने में अच्छी रहे फिट कैसी रहेगी घोड़ी लंबाई दूसरा अच्छा चौड़ाई कैसी है मतलब जानवर पसंद आना चाहिए कुल पसंद आना चाहिए बस बाकी का दिल खुश है सब खुश है बिल्कुल सही है अगर खुशी से ले रहे हो आ, तो खुशी उपर... से ले रहे ना तो कुछ नहीं है ये बमरियों का तो खेल है यार ये खेल है तो कोई बोलता है वो भमरी ऐसी है अपन का कर्म जो होगा वही मिलेगा बिल्कुल सही है कर्म में जो लिखा ऊपर से आई है भमरी को किसने लगाई तो नहीं है बिल्कुल सही है सही है सही है वही है ये तो ऊपर से आई है कुदरती हाँ कुदरत का है ये देखो अपन मानते हैं कि कुदरती आई है लेकिन बहुत से बंवरी के कारण रिजेक्ट कर देते हैं घोड़ा घोड़ी बहुत जने करते हैं तो मैं तो कहूँगा उनकी किस्मत ही खराब है किस्मत खराब है।, है।, है, तो है, नहीं है नहीं जो रिजेक्ट करते है ना उनकी किस्मत खराब है ना तो आपको लाभ मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल सही है चलो अच्छी बात है ईश्वर भाई और उम्मीद करते हैं और अच्छे आपके ये प्रगति दे आपको आपका नाम रोशन करे और वैसे कर ही तो करेगा भगवान भगवान सेवा करो तो मेवा मिलेगा ही बिल्कुल बिल्कुल सही अभी है ये कवर या अभी वापिस नहीं, नहीं, अभी अभी बा... है अच्छा तो उसका बच्चा बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है मच्छर बहुत होते हैं बारिश में क्या परेशानी आती है परेशान मक्की की आती है मच्छर मक्की परेशान हो जाती है घोड़ी अच्छा अच्छा तो अभी बच्चा अभी खून लेगा नहीं ग्रोथ बढ़ाएगा नहीं ग्रोथ नहीं बढ़ाएगा तो बच्चा अच्छा नहीं होगा बिल्कुल बिल्कुल तो इस मौसम में तो मतलब बहुत गलत हाँ जितना खून लेगा जितना खून खत्म हो जाएगा क्योंकि मक्खियां बहुत है बिल्कुल आगे घोड़ा पूरा दिन परेशान होता है सही है सही है कितने तो, भी आप करो इसकी दवाई भी कोई भी काम नहीं होता है तो मतलब बारिश के टाइम में तो अगर बारिश टाइम में नहीं आप करवा ग्यारहवा महीना बारवा में कराएंगे मतलब अक्टूबर नवंबर में उस टाइम में करा लो कराओ शुक्रिया जनवरी फरवरी में कराएंगे ना तो सही बच्चा आता है या फिर मार्च अप्रैल में मार्च अप्रैल में कराएंगे तो सही रिजल्ट आ जाए गर्मी में अगर कोई बच्चा पैदा होता तो भी ठीक कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं होता है, कोई नहीं है ना इसका अभी क्या अंदर डालते तो भी गर्मी होती है बहुत सही है अंदर नहीं डालेंगे तो मच्छर बहुत काटते बाहर रखते मच्छर तो। <laughs> का बहुत प्रॉब्लम आता है बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बारिश के टाइम में ये परेशानी तो आती है है यही है दूसरा कोई प्रॉब्लम अच्छा तो मतलब अक्टूबर नवंबर में इसको आप कवर करो तो इसके जो तीन रिजल्ट लिए अलग अलग ओडों से लिया अलग अलग लिया है पहले तो मैंने लिया था हाल ही जाएगा अलीजा का और बाद में लिया था सुंदर का सुंदर का अभी लिया वो परमंश का परमंश का गुज्जू बिना के पास में है ना हाँ हाँ घोड़े का हा, हा। तो आपके कौन सा लेने का विचार है अभी देखेंगे <laughs> चलो ठीक है जो भी है बताएंगे पर... उसको टाइम पर जो आद... मिल जाए वही ठीक है हाँ टाइम से अच्छा घोड़ा देखेंगे सही है सही है ठीक है सर भाई थैंक यू थैंक यू बस ना काजल भाई लेके जाऊं मजा बेटा आ बेटा हम्म